सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटे से बात पर औकात दिखा देता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का उसे एहसान मत जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। आज का पंचांग 17 मई 2021 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 11:35 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र दोपहर 1:22 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:27 से 9:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 6:53 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 17 मई 2021 दिन सोमवार, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी तरह के विवाद से बचें। आपका स्पष्टीकरण मुद्दों को जटिल ही करेगा। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, इससे आपको औरों के मुकाबले दर्शी मिलेगी, चाहे आप केवल साधारण रूप से गिटार ही सीखें। दिन सामान्य व्यतीत होगा। किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर परिवारजनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। कुछ समय आत्म मनन करने में भी जरूर लगाएं। अपने जीवन संबंधित जिस बात का इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे उसे संबंधित कोई खुशखबर प्राप्त होगी, लेकिन इसी काम में प्रगति देखने के लिए और वक्त लग सकता है, इसीलिए अपना संयम बनाकर रखें। कुछ लोगों के साथ आपको भावनात्मक दूरियां महसूस होगी, लेकिन इसकी वजह से मानसिक तकलीफ नहीं होगी। काम के सिलसिले में हुई नए लोगों के साथ जान पहचान आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। युवाओं को रिलेशनशिप संबंधित निर्णय लेने से पहले अपनी अपेक्षाओं को जांच परख कर ही आगे बढ़ना होगा। कंधे और गर्दन संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा व्यवहारिक और स्वार्थी होना भी जरूरी है। दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमियां न उत्पन्न होने दें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिति में थी या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिसका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपने सभी संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाए, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। सारे लंबित कार्यों को पूरा कर लिया है। कुछ समय से कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी आज उनमें कुछ सुधार की संभावना है।
कार्य की प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भी मदद मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, परंतु कभी कभी किसी प्रकार की लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाते और इसीलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं जो फोकस कर पाने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी यह विशेषता सीखकर अपने जीवन में भी कार्यान्वित करें। आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी, इसे हाथ से जाने न दें। सुबह जल्दी उठकर योग करने से भी आपको मदद मिलेगी। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर फूल पत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।